सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के पिंस और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको पहला जो इससे पहले वाला वीडियो है बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो आपको देख लेना चाहिए ताकि इससे पहले वाली जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए वो समझ में आ जाए। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं और जिस इंस्ट्रक्शन जिन पर्पस के लिए हमको उसको प्रोग्राम करना है वो प्रोग्राम हम बना सकते हैं, उस प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोग्राम हटा के नया प्रोग्राम भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इससे आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 8085 की का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिन डायग्राम क्या है, कितनी तरह की पिन होती हैं, उन पिन्स का यूज़ क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। एट जीरो एट फाइव जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया, एक 8-बिट जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, जनरल पर्पज़ माइक्रो प्रोसेसर है। ये जनरल पर्पज़ माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि हम अगर हमारे पास दो माइक्रो प्रोसेसर हैं तो वो दो अलग अलग काम कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या काम करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पज़ क्या है। नहीं, जनरल पर्पज़ का मतलब ये है कि उसको बनाते टाइम ये चीज़ दिमाग में नहीं रखी जाती है कि ये किस क्या काम करेगा, वो डिपेंड करता है हम क्या प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें क्या इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह की एग्जीक्यूशन किया जाता है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं वही इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल लॉजिक डिज़ाइन की बात करेंगे माइक्रोप्रोसेसर की। 8-बिट जनरल पर्पज़ माइक्रोप्रोसेसर होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा ये 64 किलोबाइट मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। इसमें टोटल 40 पिन्स होती हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। इसमें इसके अंदर टोटल 40 पिन्स होती हैं, इन 40 पिन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है इनके पर्पज़ के हिसाब से, उनके यूज़ के हिसाब से, वो हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। पावर सप्लाई इसको 5 वोल्ट चाहिए होती है। उसके अलावा ये जो है 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे सिंगल फेज में 5 मेगाहर्ट्ज़ सिंगल फेज को क्लॉक पे ये काम कर सकता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक स्पेसिफिकेशन है, ये हमको ध्यान में रखना है जब भी हम लोग 8085 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक, एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन है 8085 एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो मेन चीज़ इस स्लाइड में हमको ध्यान में रखनी है वो है इसके अंदर 40 पिंस होती है। उसे क्लासिफिकेशन कैसे हैं वो आने वाली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, ये है इसका पिन डायग्राम। पिन डायग्राम का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन सी पिन होती हैं, उन पिन का यूज़ क्या है, नाम क्या है। ये जो डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये इसका फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन है, और राइट साइड में जो है इसका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो है लेफ्ट साइड वाला, वो थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होती है हमको कि अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। मान लो मुझे एड्रेस पिंस देखनी है, तो एड्रेस पिन ये ए वाली जो है, ए और ए डी वाली जो है, ये एड्रेस पिंस होती हैं, है ना। लेकिन अगर इसको लेफ्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस वजह इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग फंक्शनल डायग्राम पढ़ दें, और ये फंक्शनल डायग्राम हमारे राइट साइड में बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग आपको सेट दिख रहे होंगे, ये देखिए ऊपर कुछ और है, लेफ्ट साइड में A8 से लेकर A15 है, A0 से A7 है, फिर कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर है, तो इनको अलग अलग ग्रुप में दिखाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल डायग्राम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको आपको याद रखना है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसके अलग अलग जो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एड्रेस बस। बस का मतलब हमने पहले भी देखा है, ग्रुप ऑफ लाइंस या वायर्स या बिट्स जिससे ट्रैवल करते हैं, अगर वो ग्रुप में हो तो उसको हम लोग बस बोलते हैं, ठीक है। पहला जो ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है, ये देखिए आपके ये सेम वही डायग्राम है जो कि पिछले साइड में था, इसको सिर्फ यहाँ पर क्रॉप करके यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो A8 से A15 और AD0 से AD7 हैं, ये जो हैं एड्रेस बिट्स हैं, ठीक है।
अब इनमें भी ये दो तरह की हैं, ये दो अलग अलग जो राउंड किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, ये अलग अलग तरह की एड्रेस बसेस हैं। अभी देखते हैं ये क्या है। तो ये जो टोटल 16 हैं, 8 ये और 8 ये 16 मिलके एड्रेस बस बनाती है, ठीक है। इनको ये एड्रेसिंग के काम आता है, मेमोरी एड्रेसिंग के, ठीक है। इनमें दो सेगमेंट हैं, दो सेगमेंट का मतलब मैंने अभी कहा कि ये दो तरह के हैं, ये क्या सेगमेंट्स अभी बात करेंगे। A8 से A15 और AD0 से AD7, ठीक है। तो A15 से A8 जो हैं, A8 से A15 जो हैं, ये हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब है कि ये इनमें जो है डेटा एक ही तरफ से ट्रैवल करेगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं है ये। और इनका जो यूज़ है वो क्या है, 16 बिट एड्रेस के हायर ऑर्डर एड्रेस को रीड करना। लोअर एड्रेस के लिए 80 से 87 काम आएगा, वो हम आगे देखेंगे। लोअर हायर एड्रेस का मतलब ये क्या है कि जिस जैसे हम लोग हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट और हायर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं। राइट साइड में आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं वो हायर ऑर्डर कहलाते हैं, है ना। इन सरल शब्दों में आप किसी भी 16 बिट एड्रेस को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पहले 8 और फिर उसके बाद वाले 8। तो जो राइट साइड वाले 8 हैं वो हैं लोअर ऑर्डर बिट्स और हायर साइड वाले हायर ऑर्डर बिट्स। तो ये जो A8 से A15 है ये हायर ऑर्डर बिट्स की एड्रेसिंग के काम आते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एड्रेस बिट 16 हैं, AD0 से A7 और A8 से A15, उसमें दो तरह के एड्रेस बिट्स हैं, ये दोनों जो ग्रुप हैं वो। इसमें से A8 से A15 जो है वो यूनिडायरेक्शनल, और काम क्या आते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग के हायर ऑर्डर बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं AD0 से AD7 क्या काम आता है। हमने देखा था कि A8 से A15 जो है वो है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन ये जो है AD0 से AD7 तक ये हैं बाई डायरेक्शनल। इनका मतलब ये है कि डेटा जो है दोनों तरफ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है और वो यूनिडायरेक्शनल थी। इसका जो लोअर, इसका जो मेन काम है वो है एड्रेस के लोअर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पिछले साइड में हमने देखा था कि जो एट से A15 है वो हायर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है और ये लोअर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। इनका एक दूसरा काम भी है, वो ये है कि अर्लियर साइकिल में ये लोअर ऑर्डर साइकिल में ये काम क्या करती हैं, एड्रेस बेस्ड बिट का, और हायर ऑर्डर साइड साइकिल की साइड में ये काम करती हैं डेटा बस का। ये क्या चीज़ है, कोई भी हम लोग जब इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर को देते हैं तो टोटल 3-4 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। पहली जो स्टेज होती है वो है एड्रेस फैच, है ना। तो जो पहली स्टेज है उसमें ये जो 8 बिट हैं वो काम करेंगे एड्रेस बस का। उसके लेटर स्टेज वाली, लेटर जो स्टेज है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे स्टेज होती है, लेकिन अभी समझने के लिए सविता समझिए कि अर्लियर किसी साइकिल के अर्लियर स्टेज में ये एड्रेस बिट का काम करता है, उसके बाद में डेटा बेस का बिट का काम करता है। कहने का मतलब है एक ही डेटा बस से दो काम हो रहे हैं, है ना। इसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, यही चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल से शब्दों में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि AD0 से AD7 तक की जो लाइन्स है वो दो काम करती हैं। पहला तो ये कि लोअर एड्रेस बिट को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरा ये कि एग्जीक्यूशन साइकिल के लेटर स्टेज में डेटा बस की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारी एड्रेस लाइन्स होगी, एड्रेस लाइन्स होती हैं हमारी दो, पहली हायर ऑर्डर बिट्स जो कि A8 से A15 तक होती है, और दूसरी AD0 से AD7 तक, ठीक है। और इस स्लाइड में जो याद रखने वाली बात है वो है ये मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि हम एक ही जो बस है उससे दो काम हो रहे हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। उसके बाद देखिए एड्रेस बिट के, एड्रेस लाइंस के जस्ट नीचे ये कुछ ग्रुप हैं 5-6 लाइंस का, इसको हम लोग कंट्रोल या स्टेटस सिग्नल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पिन हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है, वो भी पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहला है ALE, इसका मतलब है एड्रेस लैच इनेबल्ड, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इनका दो काम है, जो AD0 से लेकर AD7 तक की जो लाइन्स हैं इनके दो काम हैं,
या तो ये डेटा बस की तरह काम करेगी या एड्रेस बस की तरह काम करेगी, लेकिन ये कब डेटा बस है कब एड्रेस बस है ये कैसे डिसाइड होगा, माइक्रो प्रोसेसर कैसे पता चलेगा? इसके लिए ये जो बिट है ये काम आता है। जब ये बिट इनेबल्ड होता है, ALE बिट इनेबल्ड होता है, तब ये जो बिट्स हैं वो एड्रेस बिट की तरह काम करती है, और जब भी डिसेबल होता है तो डेटा बस की तरह काम करती है। इस बिट से पता चलता है कि ये जो लोअर बिट, ये जो AD0 से AD7 है, ये एड्रेस बिट की तरह काम कर रही है या फिर डेटा बस की बिट की तरह काम कर रही है, डेटा बस की तरह काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो कंट्रोल सिग्नल हैं, रीड और राइट, यहीं पे हैं RD और WR। RD का मतलब है कि हमको या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से या फिर मेमोरी से डेटा रीड करना है, सिंपल सा इससे नाम से पता चल रहा है। राइट का मतलब है कि जो भी डेटा डेटा बस में है उसको मेमोरी पर राइट करना है। ठीक है, राइट करना होगा तो कहीं से कहीं उठाना ही होगा, उठाने की एक ही जगह होती है हमारी रजिस्टर्स AD0 से AD7। ठीक है, उसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट /M, यहाँ पे है ये रहा, यहाँ आप देखिए इसका काम ये है कि जो करंट ऑपरेशन है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या फिर मेमोरी ऑपरेशन है, ये चीज़ डिसाइड करने का काम आता है। ये क्या चीज़ आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी आप इतना से ध्यान में रखिए कि इसका काम ये है कि जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या फिर मेमोरी ऑपरेशन है, ये डिफाइन कौन करता है, ये वाला बिट। उसके बाद है S0 एंड S7, ये भी इनपुट आउटपुट में और मेमोरी सिग्नल हैं, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटे सिस्टम हैं, इनमें इनका बहुत रेयरली इसका काम आता है, इसलिए इसको सिर्फ याद रखना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एड्रेस बिट हमने डिफाइन करी, उसके बाद में कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल के बारे में बात करी। अब आगे देखते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली हैं, एड्रेस बसेस और कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। आगे देखते हैं और कौन से क्लासिफिकेशन है। अब देखिए ऊपर, अभी हमने नीचे देखा था ये होगी एड्रेस बिट, ये होगी कंट्रोल सिग्नल, यहाँ पर ये कुछ पावर सप्लाई और क्लॉक फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से, ये देखते हैं क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला है VCC प्लस 5 वोल्ट्स, ये रहा आपका VCC प्लस 5 वोल्ट्स, ये रहा। उसके बाद है ग्राउंड रेफरेंस, ये यहाँ पे ग्राउंड रेफरेंस X1 एंड X2, ये एक्सटर्नली एक क्रिस्टल कनेक्शन करने के काम आता है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी 3 MHz चाहिए तो आपको 6 MHz के RC और LC नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, फिलहाल सिर्फ इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, RC और LC सर्किट्स हम लोग आगे की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो है एक्सटर्नल हमको RC और LC नेटवर्क कनेक्शन करने के यहाँ पे काम आता है, जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए यूज़ होता है 8085 की। अगर आपको 3 MHz पे आपकी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको 6 MHz की का कनेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका हाफ अंदर अंदर पास होता है। उसके बाद है क्लॉक आउट, यहाँ इससे के नीचे होता है क्लॉक आउट, ये रहा। क्लॉक आउट का काम क्या है, हम लोग बहुत सी बार इस 8085 माइक्रोप्रोसेसर से दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट करते हैं, अगर उसको कोई सिग्नल देना है, उसको कोई क्लॉक इनपुट देना है, तो वो इनपुट आप इस क्लॉक आउट से उसका इनपुट दे सकते हैं, तो ये उसके काम आता है। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में दो चीज़ें पढ़ी, पावर सप्लाई, ग्राउंड रेफरेंस, क्लॉक फ्रिक्वेंसी और क्लॉक आउट। अब देखिए जस्ट उसके राइट लेफ्ट साइड में वाली कुछ पिन्स हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये सब क्या है, सबसे पहले देखिए इंटरप्ट इनपुट, ये रहा आपका इंटरप्ट, ये एक जनरल इंटरप्ट है। बहुत सी बार प्रोग्राम में हमको माइक्रोप्रोसेसर को कुछ इंटरप्ट देना होता है, इंटरप्ट का मतलब ये है कि कुछ ब्रेक सिग्नल या अलर्ट करना होता है। बहुत सी बार अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है तो सी प्रोग्रामिंग में ब्रेक हम लोग लगाते हैं, है ना, तो वो भी एक तरह से एक इंटरप्शन ही होता है, एग्जीक्यूशन का इंटरप्शन। तो इस तरह के जो जनरल इंटरप्शन करने का काम आता है ये वाला सिग्नल इनपुट, ये इंटरप्ट इनपुट है, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, INT A भी है यहाँ पे, ये रहा। जब इंटरप्ट इसको हम लोग पास करते हैं तो इंटरप्ट INT A जो है उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे इंटरप्ट मिल गया है, तो ये एक इंटरप्ट है और ये इसका एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद हमारे पास है रीस्टार्ट इंटरप्ट्स, ये रहा रीस्टार्ट इंटरप्ट। हमारे पास तीन तरह के रीस्टार्ट इंटरप्ट्स हैं, 7.5, 6.5, 5.5, तीनों इंटरप्ट का एक ही काम है, डिफरेंस सिर्फ प्रायोरिटीज़ में, सबसे हाई प्रायोरिटी होगी 7.5 की, 6.5 की और 5.5 की। ठीक है, अब इनका काम क्या है रीस्टार्ट इनपुट का, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है
तो आपने देखा होगा गो टू स्टेटमेंट, है ना। गो टू स्टेटमेंट से क्या होता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एक जगह से हटके दूसरी जगह पे आप जंप करवा सकते हैं। सेम की सेम चीज़ इसमें भी होती है। अगर आपने सी प्रोग्राम नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और आपको अचानक से किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको इंस्ट्रक्शन जंप करवाने किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, तो उस जगह पे आरएस, ये जो रीसेट सिग्नल है, रीस्टार्ट सिग्नल है, ये काम आते हैं। ठीक है, ट्रैप ये भी एक तरह से इंटरप्ट ही है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको मास्क नहीं किया जा सकता, मास्क करने का मतलब है कि इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, होल्ड, होल्ड इंटरप्ट इनपुट जो है वो, उसका यूज़ ये है कि जब कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है, अगर उसको आपके एड्रेस डेटा बस की ज़रूरत है, क्योंकि एड्रेस डेटा बस किसी और काम की भी आ रही हो सकती है, राइट, तो हमको एडजेस्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे जो है जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है उसको एड्रेस डेटा बस की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, इस होल्ड इनपुट को ऑन करेगा ताकि 8.0.5 को ये पता चल जाएगा कि मुझे जो है एड्रेस बस अभी फिलहाल इसको जो एक्सटर्नल हमारा पेरिफेरल डिवाइस है उसको पास करनी पड़ेगी, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा वापस एड्रेस बस जो है मेरे पास आ जाएगी। एड्रेस और डेटा बस दोनों के लिए होता है। जैसे इंटरप्ट के लिए INTA एक्नॉलेजमेंट का काम करता है, वैसे ही होल्ड के लिए HLDA एक्नॉलेजमेंट का काम करता है। फिर है हमारा रेडी इनपुट। कभी कभी क्या होता है, बहुत से एक्सटर्नल डिवाइसेस अगर आपसे कनेक्टेड हैं लेकिन उसकी प्रोसेसिंग वो इतने स्लो हैं कि आपके प्रोसेसर से भी, आपका प्रोसेसर तेज काम कर रहा है लेकिन वो जो है स्लो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सी बार 8.0.5 आपके माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, स्पीड कम करना पड़ता है। स्पीड कम नहीं होती है, जैसे होल्ड करके रखता है ताकि आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसके सिंक में वो काम कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में रेडी इनपुट काम आता है। आप रेडी इंटरप्ट दे देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर है कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा रीसेट इन एंड रीसेट आउट, ये भी इंटरप्ट सिग्नल ही है। रीसेट इन का मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर हमारा ज़ीरो हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर ज़ीरो होने का मतलब है कि आपका पूरी तरह से रीसेट हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पे। रीसेट आउट का मतलब ये है, जब हम लोग किसी रीज़न से रीसेट करते हैं तो ये रीसेट आउट जो है ऑन हो जाता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है रीसेट हो रहा है, ये सिग्नल आपको देता है। एक तरह से एक्नॉलेजमेंट का ही काम करता है, जैसे हमने दूसरे एक्नॉलेजमेंट देखे उसी तरह से। ठीक है, अब हम देखें अगला सेक्शन क्या है। आपके माइक्रोप्रोसेसर में सीरियल इनपुट या आउटपुट देने की भी सुविधा होती है, उनके लिए यहाँ पे आपके पास दो लाइंस दी गई हैं, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर होती है लैपटॉप पे। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स था दिखने वाला डायग्राम है, लेकिन आप इसको अगर ढंग से इसको क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसमें कुछ भी अलग से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी कि 40 पिंस होती है हमारे पास, उनमें से सारी पिंस को कुछ कुछ ग्रुप में डिफाइन किया हुआ है, और वो सारे ग्रुप ये हैं। टोटल हमारे पास ये 6 ग्रुप होते हैं, एड्रेस बस, मल्टीप्लेक्स, कंट्रोल सिग्नल्स, पावर सप्लाई और एक्सटर्नल सिग्नल इंक्लूडिंग इंटरप्ट, और लास्ट में एक सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसके टेक्निकल प्रोग्रामिंग और इसके आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, स्टेज, अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात करेंगे।